ज्योतिष की जो गणना की गई है वह शिवराज और कमलनाथ के हिसाब से की गई है। शिवराज सिंह चौहान की राशि है धनु, और कमलनाथ की जो उनकी जन्म कुंडली में राशि है वो है सिंह। तो इन 3 दिसंबर 2023 को जो रिजल्ट आना है उस समय चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा, जो सिंह राशि से 12वां रहेगा और धनु राशि से 8वां रहेगा। अगर इन दोनों नेताओं के हिसाब से कैलकुलेशन देखेंगे रिजल्ट का, तो यह रिजल्ट लगभग 105 सीटें तो दोनों को मिलना है, शेष बची सीटों पे ही इनका निर्णय होना है कि किसकी सरकार बनेगी। ज्योतिष के अनुसार भी स्पष्ट कुछ भी कह पाना फिलहाल मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी, पर 105 सीटें तो दोनों को अवश्य रूप से मिलेगी। कुंडली के अनुसार बीजेपी की जो स्थापना दिवस की राशि है वो है वृश्चिक, उस दिन चंद्रमा नीच का था, और कांग्रेस की स्थापना दिवस से उनकी राशि बनती है मिथुन। जो रिजल्ट का दिन है उस दिन रहेगा कर्क राशि का चंद्रमा, तो मिथुन राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा रहेगा, और जो बीजेपी की है राशि उसके अनुसार नवम भाव में चंद्रमा रहेगा। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस के हिसाब से अपन गणना करेंगे तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहने की संभावना है।